नमस्कार और आप लोगों का फॉर्मल स्वागत है आज के सेशन में। एंड आज का सेशन है हीलिंग। तो हीलिंग को कैसे करेंगे, खुद के लिए और किसी और के लिए? तो इसके अंदर मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगी जिससे कि आप खुद हीलिंग कर सकते हैं अपनी और किसी और को भी हीलिंग भेज सकते हैं। तो पूरा की पूरा जो हीलिंग है वो फोकस रहेगा आज के मेडिटेशन के ऊपर, जो मेडिटेशन अब इसके बाद हम करने वाले हैं। मैं आज की जो रिकॉर्डिंग है उसको दो भागों में बांटूंगी, एक सिर्फ मेडिटेशन और वो आपको अलग से मिल पाएगा, और एक वाला ये जिसमें कि मैं समझा रही हूँ कि हीलिंग कैसे करनी है। खुद की हीलिंग तो बहुत आसान होती है कि हम खुद मेडिटेशन में बैठेंगे और जो भी मीनल की एनर्जी उसके थ्रू हमको मिल रही है हम उसको रिसीव कर लेंगे। आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी मेडिटेशन के अंदर मुझसे एनर्जी ले पाएंगे। तो वो तो हो गई बात आपकी खुद की हीलिंग की। लेकिन क्या होता है, कई बार आप किसी की हीलिंग करना चाहते हैं, अगर तो वो व्यक्ति जिसकी आप हीलिंग करना चाहते हैं वो तैयार है खुद मेडिटेशन करने के लिए, तो आप उनको इसी मेडिटेशन का लिंक भेज दीजिए कि भाई इसको दिन में 3 बार कर लो या जब भी तुमको मन हो तो इस मीनल से एनर्जी ले लो, मीनल की एनर्जी में आ जाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसकी भी हम हीलिंग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। कई बार वो कोमा में होते हैं या भयंकर डिप्रेशन में होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको नहीं बताना चाहते कि ये हीलिंग कर लो क्योंकि हमको लगता है कि वो हमारा मजाक बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम उनकी किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं। तो उस वक्त में हम क्या करेंगे, कैसे उनकी हीलिंग करेंगे? यही मेडिटेशन जिसमें अभी हम बैठने वाले हैं, हम इसी मेडिटेशन को सुनेंगे। लेकिन सुनने से पहले एक तार बांधेंगे कि मैं मीनल की एनर्जी में हूँ और मैं उसकी एनर्जी में हूँ। वो कौन? जिसकी आप हीलिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप आशा की हीलिंग करना चाहते हैं, तो पहले आप क्या बोलेंगे कि मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल हूँ। दूसरा आप क्या बोलेंगे, मैं आशा की एनर्जी में हूँ, मैं आशा हूँ। आप सब कुछ हैं इसलिए आप एक समय में सब कुछ हो सकती हैं। अभी आपका यहाँ पे क्या रोल रहेगा, यहाँ मीनल की एनर्जी से आपको तार बांधना है आशा की एनर्जी का, और आप जो है बीच में बनेगी पाइप जिस पाइप के थ्रू मीनल की एनर्जी जाएगी उस आशा की एनर्जी तक। तो इस तरीके से आप उनकी उनको एनर्जी हीलिंग देंगी। लेकिन इसके अंदर मीनल की एनर्जी में तो आपको जुड़ने में बहुत मजा आया क्योंकि मीनल की एनर्जी तो आपको पता है कि कितना मस्ती देती है। लेकिन आशा, अगर मैं आशा हूँ तो क्या मुझे वो सब हो जाएगा जो कि आशा को हुआ रहता है? मैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी बीमारी मुझको हो जाएगी? तो अगर आपको ये डर आया, अगर आपको कोई भी ऐसी चिंता आई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको हीलिंग देने से पहले आप अपनी सारी की सारी चिंताएं जो कि उसको लेके या खुद को लेके जो भी चिंताएं हैं आप सबसे पहले उसको कैंडल करेंगे। जो पाइप है अगर उसके अंदर खुद के अंदर कुछ गंदगी है और यहाँ से आप मीनल की एनर्जी भेज रहे हैं उस तक, तो उसके साथ साथ मीनल की एनर्जी के साथ साथ और क्या जा रहा है, ये सारी की सारी गंदगी भी उस तक जा रही है। हमें नहीं भेजनी उस तक वो वाली वरी, हमें नहीं भेजनी उस तक वो चिंता, हमें नहीं भेजने उस तक अपने दुख। तो इसलिए हम पहले उस व्यक्ति से रिलेटेड अगर हमें कोई दुख है, अगर हमें कोई चिंता है, अगर हमें कोई डर है, तो उसको हम पहले कैंडल करेंगे और फिर शुरू करेंगे ये वाला मेडिटेशन का प्रोसेस। तो अब आपको समझ में आ ही चुका है खुद की हीलिंग कैसे करेंगे, सिर्फ इस मेडिटेशन में बैठ के। किसी और की हीलिंग कैसे करेंगे, उसको ये मेडिटेशन का लिंक भेज के। किसी और को जिसकी हम हीलिंग करना चाहते हैं लेकिन वो इस काबिल अभी नहीं है कि हीलिंग कर पाए खुद की, तो उसके लिए हम पाइप बन जाएंगे और सबसे पहले आई एम, मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल हूँ, और मैं वो व्यक्ति की एनर्जी में हूँ, मैं वो हूँ, और फिर हम बीच का तार बंध के और उन दोनों की हीलिंग कर पाएंगे, उन दोनों को जोड़ पाएंगे किससे, मीनल की एनर्जी से। तो मस्त रहिए और ये हीलिंग जिसके लिए भी आप करना चाहें तो आप उनके लिए करिए। कई बार कैसा होता है कि हम सड़क पे कोई खड़ा हुआ आदमी देखते हैं जो कि दुखी होता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम ऐसा सोचते हैं, तो ये गलत है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी एनर्जी में, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि काश के लिए मैं उसके लिए कुछ कर पाती, तो उस मिनट आप जान लीजिए कि उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
उसको हीलिंग की एनर्जी भेज सकते हैं। लेकिन आप तो उसका नाम भी नहीं जानते। अरे हाँ, नाम नहीं जानते, लेकिन किसका नाम नहीं जानते? उस शरीर का नाम नहीं जानते। शरीर का नाम जानना एकदम भी जरूरी नहीं है। आप इसी नाम से उसकी हीलिंग कर दीजिए कि वो जो आदमी सड़क पे मुझे खड़ा हुआ दिखा था, ये हीलिंग उसके लिए है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जी को एकदम से पता है कि आपकी आंखों ने किस आदमी को देखा था, आप किस आदमी के बारे में बात कर रही हैं। और वो जब आप मेरी एनर्जी से जुड़ के उस तक भेजेंगी तो आप मीडियम हैं, आप किसी से भी जोड़ सकती हैं। तो आप एंजॉय करिए ये प्रोसेस और अगले सैटरडे आपको फिर मिलेंगे। अब हम शुरू करेंगे मेडिटेटिव हीलिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीनल। मीनल की ऊर्जा में आपको हीलिंग लेना और हीलिंग देना। थैंक यू, सी यू लेटर, बाय बाय।